तो हाँ भाई लड़कों, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह नज़रें बस से बचाए। बहुत खूबसूरत कलेक्शन है हरमैन्स कैटल फार्म वालों का। ये देख लें आप, ये दो भूरे हैं, एक गुलाबी नाक में, और ये वाला तो माशाल्लाह इसकी नाक झालर आप देखें। बहुत खूबसूरत कलेक्शन रखा हुआ है इन्होंने, अबलक का, चोलिस्तानी का, ब्राह्मण बुल्स का, साहिवाल का। विज़िट भी आप लोग कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप नाव झालर देखें बच्चे की, ये अबलक में बहुत खूबसूरत प्रिंट है माशाल्लाह से। अच्छा, ये 2021 की कलेक्शन है इनकी ये पूरी। तो जिनको भी अगर समझ में आता है परचेजिंग के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में एक गेना बछड़ा भी मौजूद है, बहुत यूनिक बछड़ा है वो। उसके जो शॉट्स हैं माशाल्लाह से बहुत भरपूर है, अपने वज़न पे, अपने वेट पे वो बछड़ा है, वो गेना माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गुलाबी नाक में एक और अबलग बछड़ा, ये ब्राह्मण बुल है इनके पास, सबसे हैवी वेटेड बुल इनकी कलेक्शन के अंदर। अच्छा, ये इंडियन ब्रीड है ब्राह्मण की, प्योर ब्राह्मण नहीं है ये। ब्राह्मण में बहुत सारे आते हैं, क्रॉस में भी आते हैं, कुछ प्योर होते हैं जो बाहर के होते हैं, V8 टाइप हो गए जैसे। माशाल्लाह से इसका वजूद देखें, इसकी जिसामत देखें, और इसके खेलने का स्टाइल देखें, माशाल्लाह से बहुत हैवी था ये, बहुत हैवी। अच्छा, इनके पास पलाई सर्विस भी मौजूद है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना माशाल्लाह से। उन शौकीनों के लिए जो अपनी बछड़ा या बछड़ी इनके पास अगर पलाई के लिए रखवाना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मौजूद है, और विज़िट भी कर सकते हैं आप सुबह 7 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक, 7 to 7। तो हाँ भाई लड़कों, ये है वो गेना बछड़ा जिसकी मैं बात कर रहा था। माशाल्लाह से कमर का साइज़ चेक करो बछड़े का, माशाल्लाह नाव झालर में भी बहुत अच्छा है। इसका फेस का लुक आप चेक करें, अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह से चलने का अंदाज चेक करें आप इस गेने बछड़े का। अच्छा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, कुछ और ऐसी शॉट्स हैं, और एंड में पलाई सर्विस के हवाले से एक छोटा सा इंट्रो है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा दोस्तों, ये देख लें आप, इनके पास एक ब्राह्मण बुल मौजूद है, बहुत हैवी सीन है इस बुल का। और ये हामिद भाई हैं यहाँ पे, ये इनको संभालते हैं। आप ही इसको संभालते हैं हामिद भाई? अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बताएं, ये जो इतना हैवी वजूद है, और ये देखें माशाल्लाह से जो इतना खेल कूद कर रहा है इतने बड़े वजूद पे, इसका क्या राज है? इसका राज ये, इसको 5 किलो दूध चाहिए टाइम। अच्छा, डेली? डेली।
डेली 5 किलो दूध। हाँ सर्दियों में हम लोग उसको मक्खन देते हैं क्योंकि मक्खन से ये इसका नीचे से गोला बनता है। अच्छा मक्खन देते हैं सर्दियों में, सर्दियों में मक्खन देते हैं और वैसे ही डेली दूध देते हैं 5 किलो, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम। ठीक है, और बाकी वनडे में तो नॉर्मल जो हर जानवर को देते हैं। जानवर खाता है वो ही। ठीक, अच्छा तो ये ब्रीड कौन सी है आप मुझे बताएंगे? ब्राह्मण के अंदर बहुत सारी आती हैं, ब्राह्मण की कौन सी है? ये इंडियन ये इंडियन ब्राह्मण है। ये चोलिस्तानी में नहीं है? नहीं, चोलिस्तानी क्योंकि इसका जो माशाल्लाह इसकी जो गर्दन का जो हैवी सीन है, अगर मैं आपको दिखाऊं गाइस, जितना इसका पीछे से नहीं है उससे ज़्यादा हैवी इसकी गर्दन का सीन है। ये आप देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह नजरे बस से बचाए। अच्छा ये इंडियन ब्रीड है बरामद। हमारे साथ इस फार्म के ऑनर हैं, आपका नाम सर? जुबैर कुरैशी हैं। आपको कितना टाइम हो गया ये एक्सपीरियंस करते हुए? तकरीबन 10 से 12 साल। 10 से 12 साल हो गए। अच्छा तो ये जो आपके बछड़े खड़े हुए हैं अभी, जिनके मैंने शॉट्स इनको दिखाए हैं अपने व्यूवर्स को, तो ये इसी बकरा ईद के हैं या ये अभी 2021 की कलेक्शन? ये 2021 की कलेक्शन है। ठीक है, अच्छा तो ये तमाम खीरे हैं या दो दांत हो चुके हैं? दो दांत होने वाले हैं, तकरीबन दो दांत हैं। ये सारे दो दांत हैं? तकरीबन दो दांत। ठीक है, अच्छा आपका ये जो नाम है हरमैन कैटल फार्म, ये किस बुनियाद पे आपने रखा था? हरमैन कैटल के नाम से जो है ना, हमारे बहुत सारे मतलब काम है, कारोबार है, ट्रांसपोर्ट भी हमारी। अच्छा, और उसके अलावा प्लांट भी है पानी का, तो उसके बाद फिर ये हरमैन कैटल के नाम से जो है ना हम लोगों ने नाम। ठीक है, अच्छा आप जरा पहले अपनी लोकेशन बताएं। कंपनी का नाम है? अच्छा आपकी कंपनी का नाम है हरमैन। ठीक है, आप अपनी लोकेशन बताइएगा। इस वक्त जो हम लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त जो हमारा फार्म हाउस है, ये आप तुम्बागोड़ से आएंगे वाटर वर्ल्ड वाटर पार्क के पास। वाटर वर्ल्ड वाटर पार्क से जैसे ही आप राइट पर आएंगे तो गुलमोर गार्डन सोसाइटी है, उसी के अंदर गुलमोर डेयरी के नाम से जो है हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर ये हरमैन कैटल है। अच्छा तो अगर कोई बाहर वाला आपके पास आता है कि मैं ये मेरा बछड़ा है, आप इसको पलाई पे रख लें, तो क्या आप सर्विस देंगे उसको? देखिए पहली बात तो ये है कि हम लोग पलाई पे जानवर रखते नहीं है क्योंकि हम अपना जानवर खुद पालते हैं। अच्छा, और अगर कोई हमारे पास आता है जानवर पलवाने के लिए तो उसकी हम पलाई तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पलाई है उसकी लेते हैं। 15 से 20 हज़ार? अच्छा, जिसके अंदर ओवरऑल तमाम चीज़ें होती हैं? तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें भी होता है इसमें, दूध वगैरह भी पिलाते हैं जानवरों को, बादाम पिस्ते भी खिलाते हैं। सही, तो उसी हिसाब से जैसा जानवर होता है वैसे पैसे होते हैं। वैसे पैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा आपके पास अभी ये जो कलेक्शन खड़ी हुई है, इसके प्राइस रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम? इसके तकरीबन कम से कम जो हमारे पास जानवर इस पर खड़ा हुआ है तकरीबन 3-3.5 लाख रुपये का जानवर है कम से कम। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाख, 10 लाख तक का हमारे जानवर। 10 लाख तक का है? अच्छा आपके पास बकरे वगैरह भी होते हैं? बकरे वगैरह। ठीक है, आउटसाइडर विजिट करना चाहे? एनी टाइम? टाइमिंग क्या है आपके फार्म की? टाइमिंग हमारी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे। अच्छा ये बैकग्राउंड पे इनकी पूरी टीम खड़ी हुई है हरमैन कैटल फार्म वालों की, बहुत अच्छे लोग हैं ये। ये जो कलेक्शन है 21 की माशाल्लाह से बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। बरामद बोलते हैं इनके पास, साहिवाल हैं, अबलक हैं, चोलिस्तानी हैं, और भी मुख्तलिफ ब्रीड्स इनके पास रखी हुई हैं। अच्छा बाकी बकरा ईद की कलेक्शन के अंदर और अगर आप लाते हैं या नहीं? अभी तो फिलहाल हमारे पास यही माल है और इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद हमारे पास और कलेक्शन आएगी। अच्छा, तकरीबन 100 से ऊपर हमारे पास माल आएगा। 100 से ऊपर आपके पास आएगा? तो आप अपना कैटल फार्म में ही यहाँ पे सोल्ड आउट करते हैं या कहीं और आप जाते हैं? जैसे सौराब गोल्ड हो गए, हमारे पास ज़्यादातर कैटल पे ही क्लाइंट आते हैं। कैटल पे ही आपके क्लाइंट्स आते हैं? कैटल पे आते हैं, उसके बाद फिर जरूरत पड़ती है तो फिर हम सौराब गोल्ड जाते हैं। हम टेंट लगाते हैं, पूरा टेंट लगाते हैं इसी नाम से, हरमैन कैटल फार्म के नाम से। ठीक है, पिछले साल भी हमारा हरमैन के नाम से ही था। अच्छा, लास्ट ईयर भी आपने लगाया था? जी लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर भी इन्होंने लगाया था। अगर जिस भाई को यहाँ पे लोकेशन ना आए समझ में, तो बकरा ईद के टाइम पे ये सौराब गोट में भी बैठते हैं, आप वहाँ पे चले जाएं। कलेक्शन बहुत अच्छी है, आपने देख लिए होंगे, अबलक बछड़े बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, इनके पास बहुत हैवी बरामद बुल्स खड़े हैं और चोलिस्तानी हैं, साहिवाल हैं, और प्राइस भी अच्छे हैं इनके। और पलाई सर्विस की बात करूँ तो पलाई सर्विस भी बहुत अच्छी दे पलाई सर्विस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को विज़िट करें, 7 to 7 है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आएँ हमारे फार्म पे विज़िट करें और परचेजिंग करें अगर आपको जानवर पसंद आए।
अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त दीजिए मुझे, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको कौन सा बछड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।